Make this event a successful one. Our dignitaries who are coming is Director School Education himself. It's a big and huge honor. I think like our whole school is blooming this time because of his expecting presence. And once the Director Sir comes, I feel my children will be very much excited. Thank you so much. Thank you. Oh, thank you. Good morning, everybody. Good. Afka? Afka? Okay. What is this head? This is my baby, my teacher. Yeah. Ding 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 dong. Ding 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 dong. Ding ding dong. Ding ding dong. Yes. Yummy, thank you to bolo. Thank you. Thank you, sir. Thank you. कॉपी लिखाओ, बाकी चीजें करो. आज सिर्फ आपको स्टोरी सुनाई है कि आपने इन छुट्टियों में घर पे क्या देखा, कैसा घर पे लगा. We welcome you.
बच्चों के साथ बैठा हूं और वो चीज देख रहा हूं जो हम बच्चों से और टीचर से चाहते थे। सबसे पहले मैं यहां के टीचिंग स्टाफ, खासतौर से हेडमास्टर और बाकी जो स्टाफ मेंबर्स यहां पे हैं उनको मुबारकबाद देता हूं और इसके साथ बच्चों को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि छुट्टियों के बाद उन्होंने जो नई शुरुआत की है शायद वो एक बेहतरीन तरीके पे की है। इससे पहले भी छुट्टियों के बाद बच्चे स्कूलों में आते थे, मुझे नहीं पता है कि इससे पहले कहीं ऐसा होता था कि पहले दिन को वेलकम डे के तौर पर मनाया जाता था, लेकिन जैसा कि हम सारे देखते हैं कि ये दो महीने या ढाई महीने जो घरों में हम बैठते हैं, एक तो और अब हमारे जहनों में या जिस्मानी तौर एक सुस्ती आ जाती है। ये सुकून ही एक ऐसी जगह है जहां आदमी को मेंटली एंड फिजिकली दोनों चीजों में काफी मोबिलाइजेशन आ जाती है। दूसरा ये कि हमारे बच्चों को नॉर्मली ये कहा जाता है गवर्नमेंट स्कूलों में आते ही उनको जो है मारपीट शुरू हो जाती है। हमने सोचा आपकी बार हमारे बच्चों को ये लगना चाहिए कि जैसे प्राइवेट स्कूलों में एक प्रैक्टिस है कि बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, उससे क्या होता है कि न टीचर्स बोर फील करते न बच्चे बोर फील करते, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में शायद अभी तक उतना ज्यादा था जरूर, लेकिन इस तरह से फॉर्मली नहीं था। हमने आपकी बार ये फैसला किया कि हर जगह पहला दिन एक वेलकम डे के तौर पर मनाया जाए ताकि हमारे बच्चों को खुशगवार माहौल मिले और जो हमारे जो शुरू में हमारे टीचर्स
उनके भी आपस में जो है एक अच्छा माहौल बने। देखिए अगर आप देखेंगे हमारे बच्चे घरों में मुश्किल से एक्टिव टाइम दो या तीन या चार घंटे गुजारते हैं, बाकी सारा टाइम वो टीचर्स के साथ गुजारते हैं, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो माहौल हमें घरों में होता है, माँ बाप के पास भी टाइम नहीं है, रिश्तेदारों के पास भी टाइम नहीं है, वो आना जाना पुराना खत्म हुआ। लिहाजा अगर हमारे घरों हमारे स्कूलों में माहौल अच्छा होगा, खासतौर से मैं कहता हूँ कि अगर टीचर्स में आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, हमारे बच्चों पे बराह रास्त उसका असर होगा और वो अपने घरों में भी शायद वो उतनी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे उतना जितना कि वो स्कूलों में करें। तड़प रहनी चाहिए स्कूल का खुले ताकि कब वो स्कूल जाए, यही हमारा मुद्दा मकसद है। लेकिन अब इस ट्रेंड को चेंज करना है इंशाल्लाह। आज जो शुरुआत हुई है, मैं आपके यहाँ काफी अच्छे टीचर्स, आप ये सुनकर के हैरान होंगे, मेरा बेटा डीपीएस में पढ़ता है छोटा, लेकिन उसका जो बेस्ट टीचर है और बेस्ट फ्रेंड वो आपके स्कूल का टीचर है जी। वो भी बार बार बोलता है जो वैकेशन थी, ये भी मुझे बार बार उसके बारे में पूछते थे, वो भी मुझे बार बार इसके बारे में पूछता था। और मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा कि आपको बेस्ट टीचर कौन है, उन्होंने कहा सर मेरा रंजीत सर बेस्ट टीचर है। सो दिस इज हाउ यू हैव बच्चों में ये कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हम अगर उस्ताद के सामने ये बोले, टीचर के सामने ये बोले, शायद टीचर विल बी इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड अ बेटर सॉल्यूशन देन आवर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स के अंदर स्ट्रेस लेवल होती है और ज्यादा परेशानियां होती है। लेकिन अगर वही परेशानी लेकर के हम स्कूलों में भी आएंगे, मुझे लगता है फिर हमें शायद वो मकसद पूरा नहीं होगा जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कंफर्टेबल। मुझे ज्यादा तकरीर नहीं करनी है, सिर्फ मैं यही चाहता था कि हमारे बच्चे घरों में ये फील करें कि वो स्कूल कब खुले और स्कूल कब जाए, और स्कूलों में इतना अच्छा माहौल होना चाहिए टीचर्स के बीच में खासतौर से। ये जरूरी नहीं कि आज हमने पहला दिन मनाया, बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि हफ्ते में एक दिन ऐसा हो कि जहां बच्चों को और टीचर्स को खुले तौर पर, बच्चों और टीचर्स को खुले तौर पर माहौल मिले, जहां वो अपनी जो उनके अंदर जो एंजाइटीज हैं, उनके अंदर जो स्ट्रेस है उसको रिलीज, उसको दूर करने का मौका मिले। लिहाजा उसके लिए पहले भी मुझे बताया गया कि अब यहाँ जो हेडमास्टर
ज्यादा से ज्यादा आप तब को मम्मी पापा देते हैं 2 रुपए भी डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3, 10, 40, 50 मैडम भी अगर थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे और जो हमारे गेस्ट से अगर वो भी थोड़ा शेयर करेंगे बिस्मिल्लाह आज ही हो जाएगा। सर ये चीज इसलिए है क्योंकि हमने लास्ट 3 साल से 20-20 हजार रुपए पर ईयर स्टेशनरी पर बच्चों पर टीचर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट करके दिया है, और वो इसलिए कि अगर कोई काम टीचर करा रही है ऑल ऑफ अ सडन उसकी कॉपी खत्म होती है हमारा बच्चा बंद नहीं होता है तो वो एकदम से रश करता है हमारी ये हमारी हसीनलाल के पास, हसीनलाल मैडम हमारी है शी इज वेरी क्लोज टू माय हसीनलाल, आई कॉल हर हसीनलाल, तो हसीना मैम उनको कॉपी दे देती है। तो बेटा ये बॉक्स इसलिए है कि इस बार जितना भी हम काम करें कभी आपको पेन टूटता है पेंसिल टूटता है आपको दौड़ के हसीना मैम के पास जाना है और आपको उसी वक्त पेन और कॉपी प्रोवाइड किया जाएगा। हम नहीं वेट करेंगे कि टाटा कब दुकान खुलेगा या हड़ताल के बाद हम कॉपी लाएंगे, उस चीज का वेट नहीं करेंगे। सच अ स्मॉल स्टार्ट जस्ट टू इनकल्केट अ सेंस ऑफ हेल्थ इन देम सो दैट दे कैन लिव दिस वैल्यू, ताकि हम जो ये मैंने आपको ये जला हुआ दिखाया है पीपल ऑफ इंटेग्रिटी हमारा तार तार हो चुका है, वी वॉन्ट टू रीच समवेयर, हम इसको फिर से ग्लोरीफाई करना चाहते हैं एटलीस्ट हमारे स्कूल में और हमारे बच्चे जो अपने घरों में जाएंगे एक मैसेज तो लेकर जाएंगे दैट वी आर ऑन इट, वी आर दिस स्टाफ ऑफ पांथा चौक हाई स्कूल एंड न्यू स्कूल इज ऑन दिस थिंग दैट वी विल रियली मैडम ने कुछ अगर अपनी तरफ से डाल सके यहाँ से शुरू करें ऐसा खबर गलत हो चुकी है। थैंक यू सर, सलीमा मैम कर दीजिए करेंगे बिस्मिल्लाह अच्छा हो गया बिस्मिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। वन मोर छोटे छोटे नए नए आ जा यामी इसके लिए आप एक एक क्लास वन की मैम आपके बच्चे खड़े हैं आप प्लीज लाइए सर इनके लिए एक टॉवल है इसमें सोप है यस्मीन मैम सर अगर आपके हाथ से ये हो जाए तो
Because in a